मैंने तो बता दिया, तो यहाँ से पता चल जाएगा अभी कौन मेरी वीडियो पूरी देखता है, ठीक है? अगर किसी ने कहा, किसी ने बताया कि मेरा ये फेवरेट है, मेरा ये फेवरेट है, तो मैं समझ जाऊंगी कि भाई ये मेरी वीडियो सबने पूरी देखी, वरना किसी ने पूरी नहीं देखी, क्योंकि जिसका भी फेवरेट होगा वो तो जरूर बताएगा। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं आज शाम को ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं। तो क्या हुआ कि मैं नीचे लेटी हुई थी, ऐसे ही सुबह से मैं ऐसे पड़ी हुई, जानू नहीं बनाई भूल के भी। मैंने सुबह नाश्ता बना लिया था, सब्जी बना रही थी, उसके बाद जानू नहीं भूल के बनाए दोपहर के। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही लेटी हुई थी। भाई मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है ना? तो मैंने ये व्लॉग रात को स्टार्ट किया था शाम को, और अब हम उठ चुके हैं, मैं तो उठ चुकी हूँ और मैंने मुंह धोया है क्योंकि मेरी आँखों, सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे ना पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे ना जब तक मैं मुंह नहीं धोती ना तब तक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, माँ कुछ ऐसा फील होता है, मतलब साफ साफ दिखाई नहीं देता। और देखो हमारे बच्चे तो सो रहे हैं अभी, और देखो ये देखो तीनों सो रहे हैं, देखो ये देखो जो जो ये जो जो बहुत खराब है। और देखो मयंक को इतनी ठंड लगी कि बेड की चादर निकाल के ना ऊपर ले लिया, ये देखो। शाबाश बेटा। तो भी शुरुआत करती हूँ मैं गर्म पानी से, और आज ना बरसात का मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखो जो जो भी उठ गया, उठ गया तू। तो गाइस हम सभी उठ चुके थे और अब मम्मा जो जो नहला रहे हैं, ये ना बस शुरू शुरू में आना कानी करता है, उसके बाद तो अपने आप नहाने लग जाता है आराम से। तो दोस्तों देखिए मम्मा यहाँ पे चादर चेंज कर रहे हैं, और मम्मा और जो दोस्तों तो नहा लिए हैं, मैं और भैया रह गए हैं। और आज पता क्या हुआ, जो जो ने ना मम्मा के हाथ पे काट लिया, और अब ये मम्मा ही बताएंगे कि क्यों काटा। जा पूछ के आ, बताओ मम्मा अपनी कथा शुरू करो। जो बच्चा गोद लेना है तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है? और देखो इसने मेरे क्या किया, ये देखो। और इसने क्यों किया अभी बताती हूँ मैं आपको, अभी फिलहाल बंद कर दो। तो मम्मा आप तो बता दो, तो दो क्यों मारा था आपने? ये देख इसने क्या किया, देखो क्या किया इसने, ये देखो पिल्लो खा लिया, पिल्लो कवर, ये देखो इसलिए मारा था मैंने इसको। और मम्मा ने जोजो को मारा, जोजो ने मम्मा को मार दिया। कोई बच्चा है जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो मम्मा को मार सके? वो है अच्छी बात है, ये है नहीं, मैंने कहा ये अच्छी बात है। देखो ये है वो बच्चा, अब ना मम्मा से छुप छुप के इधर से उधर जा रहा है, मम्मा के ना मतलब मम्मा के आसपास नहीं आ रहा। तो भाई जोजो ने ना हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ, बहुत ज़्यादा। पहले तो जूती चप्पल काटता था, अब इसने कपड़े काटना भी शुरू कर दिया
है ना। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि भाई जिसको भी जो जो चाहिए ना, जिसको भी जो जो को गोद लेना है ना, वो मुझसे कॉन्टेक्ट करे, मुझसे भी कॉन्टेक्ट करे। अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई। हाँ मैं जो जो को देने को तैयार हूँ भाई, मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो फिर सिलाई कर, वो जो इसने फाड़ा ना वो सिलाई कर पी लो। सिखा दो, मैं कर दूंगी, सिखा दो। तो भाई अब लेते हैं थोड़ी सी चाय। तो भाई चाय बन गई है देखो, और इधर दाल बन गई है, आटा गूंद लिया मैंने। वो देखो देखो जानी रो रही है, रुला दिया ना बेचारी को। भाई इन दोनों बहन भाइयों की लड़ाई से मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। देखो ये रो रही है बैठी हुई, और वो टीवी देख रहा है आराम से मजे से। अब समझ में आया ये बच्चे सिर्फ दो नहीं एक ही होना चाहिए, लड़का हो या लड़की, बस। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। चलो भाई नाश्ता बनाते हैं। मैंने सोचा था कि आज मैं कपड़े धोऊंगी, मैंने कल भी कपड़े नहीं धोए, कल भी बारिश आ गई थी, तो अभी कपड़े धोने जा रही थी कि बरसात, सुबह से बरसात का मौसम हो रहा है ना, बरसात आई नहीं है पर बरसात का इतना ज़्यादा मौसम हो रहा है, ऐसा ना हो कि मैं कपड़े धोऊं और एकदम बारिश आ जाए, है ना। तो भाई ऐसा लग रहा है सुबह के 8 नहीं रात के 8 बज रहे हैं, बिल्कुल काला मौसम हो रहा है, बिल्कुल काले बादल छा रहे हैं। तो भाई शाम हो चुकी है और मैं सो के उठी हूँ, मयंक भी सो के उठा है, जानवी भी, हम सारे सो गए थे भाई। तो ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था और नींद बहुत बढ़िया आई है, अभी सो के उठे हैं, 5 बज गए हैं, तो देखते हैं अब क्या करते हैं। और देखो ये हो रही है भाई इनकी स्टडी, जानवी बना रही है प्रोजेक्ट और मयंक तो क्या कर रहा है, ये बना रहा है भाई हार्दिक पांड्या की ड्रॉइंग, दिखाना थोड़ी सी, ये देखो जब कम्प्लीट हो जाएगी तब दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों 9 बज चुके हैं और मेरा भी डिनर हो गया, मयंक कर रहा है, अभी जानवी करेगी। तो भाई अभी हम देख रहे हैं कपिल शर्मा शो। और आपका फेवरेट भाई कौन है ये जरूर बताना, कॉमेडियन में कौन फेवरेट है, मैंने तो बता दिया, तो यहाँ से पता चल जाएगा अभी कौन मेरी वीडियो पूरी देखता है, ठीक है। अगर किसी ने कहा, किसी ने बताया कि मेरा ये फेवरेट है, मेरा ये फेवरेट है, तो मैं समझ जाऊँगी कि भाई ये मेरी वीडियो सबने पूरी देखी, वरना किसी ने पूरी नहीं देखी, क्योंकि जिसका भी फेवरेट होगा वो तो ज़रूर बताएगा, क्योंकि भाई थोड़ा हंसना भी ज़रूरी है ना। और कपिल शर्मा शो सबका फेवरेट है, मेरा भी है, मैं भी मतलब रिपीट में आता रहता है ये, मैं देखती रहती हूँ फिर भी। और वैसे मेरी फेवरेट कॉमेडियन भारती सिंह है, लेकिन कपिल शर्मा शो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, क्योंकि मुझे अपना शो देखना है, बाय।